नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 9 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर दोपहर 1:05 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 9 से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मीन राशि में भ्रमण करेगा। आज ही के दिन यह चंद्रमा शनि और शुक्र के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के वैय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके भाग्य भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो दो प्रकार के थोड़ा बहुत आज का जो दिन होगा, स्ट्रेस वाला थोड़ा बहुत हो सकता है। और जो स्ट्रेस होंगे वो दो तरह के होंगे, रिलेशनशिप के मामले में, और जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगी। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर आप किसी के प्रेम में हो, तो उनके साथ थोड़े बहुत वैचारिक, जिसे हम बोलते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। आपकी राशि जो है वो जल्दी रिएक्ट करने वाली है, इसीलिए मैं विवाद कह रहा हूँ, अदरवाइज उसको विवाद नहीं कर सकते। लेकिन जल्दी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो आपके आयु से बड़े होंगे, उनके साथ आज आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ एक आध दिन की बात है, फिर से आपकी जो परिस्थितियाँ वो नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस जो महिला वर्ग है उनके बारे में भी अगर सोचा जाए, जो गृहिणी वर्ग है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, आप जिस तरह से चाहते हो वह उस तरह से वो आपको मतलब मदद नहीं करेंगे, जिसके वजह से कुछ ना कुछ तो विवाद हो सकते हैं। ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। उसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लाभ के बारे में, अगर आपने कुछ ऐसे आपकी तरफ से ऐसे कुछ मतलब विचार जोड़े होंगे कि इतना करने से मुझे इतना लाभ होगा, या फिर हम कोई लॉजिक लगा लेते हैं, तो वो लॉजिक आज के दिन आपके काम नहीं आएगा। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह से अगर काम किया जाए, तर्क जिसे हम कहते हैं, कि इस तरह से तर्क होते हैं हमारे कि इस तरह से काम किया जाए तो हमें इस तरह से आमदनी हो सकती है, लेकिन ऐसी बात होगी नहीं। मतलब आज के दिन आपके जो तर्क होंगे वो तर्क पूरी तरह से मतलब विफल हो जाएंगे। लाभ के बारे में हो या फिर ऐसी किसी इसके बारे में, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और ऐसी कोई बात हुई तो निराश नहीं होना, क्योंकि सिर्फ एक आध दिन की बात है। ज़्यादा उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम या उसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शुक्र और शनि के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जुड़ीदार होंगे उनके साथ आज के दिन थोड़ी बहुत मतभेद वगैरह हो सकते हैं, और वो जो मतभेद होंगे उसका जो कारण होगा वो पैसे से रिलेट करने वाला ज़्यादा होगा। मतलब आप ऐसे कोई खर्चे कर सकते हैं जो कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनको वो पसंद नहीं आएंगे, या फिर अगर आप किसी के प्रेम में हो तो उनका भी आपके प्रति यही मानना हो कि जो वो चाहते हैं उस प्रकार से आप उनके साथ नहीं पेश आ रहे हो, तो इन्हीं बातों के कारण थोड़े बहुत उनमें मतभेद हो सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आज के दिन आ सकती है। मोटे तौर पर तो एक देखा जाए, बाकी तो ऐसे आपका दिन अच्छा ही साबित होने वाला है। और जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए बाकी ऐसे बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में से शुक्र और शनि के साथ यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा दिन है, पूरी तरह से शांति आप फील करोगे, लेकिन आप के जो घर के जो सदस्य होंगे उनके साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद वगैरह हो सकते हैं। हालांकि आपकी राशि है वो पूर्णतः फैमिली ओरिएंटेड है, लेकिन घर के लोगों के ऐसे कोई विचार होंगे जो कि आपको मतलब आपके विचारों के साथ वो टकराएंगे, उनके साथ कुछ विवाद हो सकता है। हालांकि विवाद नहीं कहूंगा, लेकिन छोटे मोटे हम जो अनबन जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो जल्दी रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ एक दिन रुकना, बातें सभी की जो है आपके मन में वह नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अगर पैसे के मामले में अगर आपने
का कहीं पर मतलब जिसे हम अगर आप लोन में हो, ऋण में हो, कर्जे में हो, या फिर अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, प्रॉमिस किया है, तो आज के दिन उसमें कुछ दुविधा हो सकती है, ऐसी कोई बात या प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है। ध्यान, हालांकि वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन उस वक्त के लिए मतलब पूरे दिन के लिए आप उस विचारों में रहोगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो महिला वर्ग है उनके लिए अगर देखा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी अपनी जो आप जिस प्रकार की शिक्षा ले रहे हो उसी के ऊपर फोकस रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बड़े तौर मोटे तौर पर देखा जाए तो वैसे आपका आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा। आपके जो अगर आपकी शादी हुई है, आपके संतान है, तो संतान के संदर्भ में कुछ ना कुछ तो ऐसी मतलब अनबन वगैरह हो सकती है, विवाद आपके हो सकते हैं, या फिर उनका जो प्रोग्रेस है इनके बारे में आप चिंतित हो सकते हो। लेकिन इस विचार से अगर छोड़ बाकी का अगर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन होगा नॉर्मल होगा। आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनके साथ आपके जो हारमोनी है वो अच्छी दिखाई देगी। और जो स्ट्रेस होगा, हालांकि आपकी राशि कुछ भी न होने पर भी स्ट्रेस लेने वाली है, बहुत ज्यादा विचार करने वाली है, तो आज के दिन आपका विचार वही होगा कि आपके जो संतान है उसका प्रोग्रेस किस तरह से हो, या फिर उसके बारे में अलग ही प्रकार के कुछ विचार जो कि थोड़े बहुत निगेटिव हो सकते हैं आज के दिन हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में से शनि और शुक्र के साथ तुला राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मतलब किसी विषय पर अगर आप सोच रहे हो तो वह जो विषय किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए इसके बारे में कुछ फाइनल आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत दुविधा आ सकती है। इसकी वजह से जो पूरा दिन है थोड़ा बहुत विचार में होगा, लेकिन आपकी जो राशि है वो थोड़ी स्टर्डी है, मतलब ऐसे कोई भी प्रकार के स्ट्रेस से टेंशन आ जाए तो उससे आप जल्दी अकलाते नहीं। तो इसी वजह से जो स्ट्रेस होगा वो आप देख कर चलोगे, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, लेकिन वो आज के दिन नहीं होगा, एक दो दिनों के बाद उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसे कोई विचार आए तो उसके ऊपर सिर्फ सोचना, उससे कुछ ज्यादा व्यतीत होने की जरूरत नहीं है। जो महिला वर्ग है उनके लिए अगर सोचा जाए तो आपके सेहत के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन अच्छा होगा। जो विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित शुक्र और शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो अच्छा ही दिन साबित होगा। सिर्फ आज के दिन आप घर वालों के ऊपर थोड़े बहुत खर्चे वगैरह कर सकते हैं और वो जो खर्चे होंगे वो आपके लिए, हालांकि कल से यही बात चल रही है, मतलब घर वाले आपके पास डिमांड कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो उनकी मांगे है पैसों के बारे में, और वो आप पूरे नहीं कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज के दिन आपको वो पूरे करनी होगी। और आपको ऐसा लगता है जो मांगे वो कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी वजह से आपका जो मन होगा उसमें मतलब आप मानोगे नहीं इस प्रकार से वो बात होगी, लेकिन वो खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे, तो उससे जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिन आपके लिए साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आप ही के राशि में शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। हालांकि आपने कल के दिन थोड़ा बहुत आराम किया था, आज के दिन भी थोड़ा बहुत आपको वैसे ही लगा कि थोड़ा आराम किया जाए, लेकिन आराम नहीं होगा। आपके मन में फिर से ऐसे कोई विचार वगैरह आ जाएंगे जिसकी वजह से आप घर में रहते हुए भी या फिर आराम करते हुए भी मनस शांति जिसे हम बोलते हैं वो आज का आपके दिन आपको नहीं मिलेगी। मन में बहुत तरीके के विचार वगैरह आ जाएंगे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आज का जो दिन होगा स्ट्रेस में जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत आपका जो माइंड सेट है वो निगेटिव हो सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये जो स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम आपके लिए है वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं है। इसके और जो महिला वर्ग है उनके लिए भी आप जो काम घर पे करते हो या फिर आपके काम के बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे कि किस तरह से करना है कैसे करना है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत वो जो बात है वो आपके दिल में लग सकती है, चोट आपके दिल में आ सकती है, लेकिन उसके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना, ये छोटी मोटी बातें हैं उसको लेट गो करना ही अच्छा होता है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के वैय भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, तो आज के दिन
आपके जो वैवाहिक जुड़े दर होंगे उनसे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी मोटे तौर पर देखा जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आने वाली, सिर्फ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके जो वैवाहिक जुड़े दर है उनसे। और जो गृहिणी वर्ग है उनके बारे में भी देखा जाए तो बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अपने जो मनस्थिति है, आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी शांत रखना, दिन नॉर्मल ही आपके लिए होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में से शनि और शुक्र के साथ है जो चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए वैसे अच्छा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ पैसों के मामले में ऐसी कोई बात आपके मन में आ सकती है जिसके बारे में ज्यादा विचार हो सकते हैं। स्ट्रेस हालांकि नहीं होगा लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा दिन भर आप सोच सकते हो, और आपके जो पुराने जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपकी आज मुलाकात हो सकती है और उनके द्वारा कुछ ना कुछ तो बात आपको समझ में आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पैसे के मामले में या फिर जो मैंने फ्रेंड सर्कल के बारे में जो भी बात कही वो उतने ही मतलब आज ही के दिन के लिए होगी, उसके बाद वो फिर से जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए आज देखा जाए तो पैसे के बारे में थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, हालांकि वो आज ही के दिन की होगी। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, आप ही के दशम भाव में स्थित शनि और शुक्र के साथ यह जो चंद्रमा है चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहे हैं। तो जहां पर आप काम करते हो वहां पर की परिस्थितियां आप जैसा चाहते हो उसी प्रकार नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो गलती या मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनके कोई परीक्षा या फिर एग्जाम है या फिर इंटरव्यू कहाँ पे है तो पूरी तैयारी से जाना, क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ तो गलती हो सकती है, ध्यान देना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था 9 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।